नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चौबलक पर। दोस्तों आज की स्टूडियो में हम बात करेंगे PTT 2 वर्षीय BEd पाठ्यक्रम काउंसलिंग प्रोसेस 2020 के बारे में। जी दोस्तों, इसके काउंसलिंग का प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रहा है और उसी के साथ बात करेंगे एक महत्वपूर्ण सूचना के बारे में कि अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखें कि आप अभी अपने मोबाइल फ़ोन से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। अगर आप अभी एडिट नहीं करते हैं तो आप फिर कभी एडिट नहीं कर सकते। आपके रिजल्ट या स्कोर कार्ड के नीचे यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से चेक कर लें, उसमें आपने जो श्रेणी उपश्रेणी लिंग जाति फैकल्टी आदि की जो सूचना दी है वो आपके बिल्कुल सही सही इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर उसमें किसी भी प्रकार की आपने गलती कर रखी है तो आप इसको एडिट कर लें, अन्यथा फिर आपको यहाँ पर संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखें कि आपको इसको एडिट काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होने से पहले पहले करना है। और फ्रेंड्स बात करते हैं आगे, तो पहले तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि आपको इसको एडिट कैसे करना है और चेक कैसे करना है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, देन उसके गूगल के सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है PTET DCP 2020 और इसको ब्राउज कर लेना है। जैसे आप इसको ब्राउज करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, लिंक देखने को मिलेगा PTET DCP 2020 का। आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं आप पहुंच जाते हैं PTT की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और फ्रेंड्स आपको यहां पर क्लिक हियर फॉर BEd's 2 ईयर कोर्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहां पर PTT 2020 2 ईयर कोर्स BEd एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन इस सेक्शन में पहुंच जाते हैं और यहां पर आपको रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आपके पास आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो आप यहां से अभी ही डाउनलोड कर लें क्योंकि ये काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको चाहिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं आगे, तो आपको डाउनलोड करके अच्छे से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर अपना फॉर्म नंबर डालना है, उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिलअप करेंगे और उसके बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सामने आ जाएगा। आप इसे अपने रोल नंबर या फिर अपनी जनरल डिटेल्स के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद अच्छे से चेक कर लेना है। अगर कोई गलती नहीं कर रखी है तो अच्छी बात है, अगर कोई गलती कर रखी है तो यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको सिंपली इसी पेज पर वापस आ जाना है जहाँ से आपने रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक पर क्लिक किया था। यहीं पर आपको करेक्शन पैनल का एक नया लिंक देखने को मिलेगा, सिंपली आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस रहता है। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको इन सारी ही यहाँ पर डिटेल्स को फिलअप करने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करना है, जो कि मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो भी संशोधन का ऑप्शन है यानी एडिट का ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद जब आप एडिट कर देते हैं तो उसके बाद आपको लॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और लॉक अगर नहीं करते हो तो आपका यहाँ पर करेक्शन नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद फ्रेंड्स जो भी आप लॉक किए गए संशोधन का प्रिंट है उसको ज़रूर अपने पास सेव कर लीजिएगा। फ्रेंड्स चलिए डिटेल्स को फिल करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फॉर्म नंबर जो भी है आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। यदि आपको फॉर्म नंबर नहीं पता है तो आप एप्लीकेशन को रीप्रिंट कीजिएगा, वहाँ पर आपको अपना फॉर्म नंबर देखने को मिल जाएगा। देन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फादर नेम, देन यहाँ पर मदर नेम, देन यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करना है और उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आपको अपना फॉर्म नंबर और साथ ही आपका मोबाइल नंबर, साथ ही आपका नेम और आपके फादर का नेम की डिटेल्स देखने को मिलती हैं। उसी के साथ फ्रेंड्स ऊपर की ओर ब्लू कलर में आपको देखने को मिलता है कि यदि आपको अपने मोबाइल नंबर में संशोधन करवाना है तो आपको क्या करना होगा। आपको यहाँ पर संशोधन करने का समन्वयक PTT 2020 बीकानेर के नाम प्रार्थना पत्र में स्वप्रमाणित पहचान पत्र, यानी आपको यहाँ पर PTT 2020 बीकानेर के नाम पर प्रार्थना पत्र लिखना होगा कि सर मुझे अपना मोबाइल नंबर चेंज करवाना है और उसकी यह वजह है, और साथ ही स्वप्रमाणित पहचान पत्र की प्रतिलिपि यानी आपकी जो फोटो आइडेंटिटी है कुछ भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड, उसको आपको खुद को सिग्नेचर करना है यानी स्वयं सत्यापित करना है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट की कॉपी भी उसके साथ लगानी है। ये सभी आपको ऑनलाइन ही भेजना है। कहाँ पर भेजना है तो PTT DCP 2020@gmail.com इस एड्रेस पर आपको मेल कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे की कार्रवाई यहाँ पर आपकी होगी। मोबाइल नंबर्स के अलावा अन्य कोई संशोधन आपको करना है तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिंपली अपना
ओटीपी नंबर देखने को, ओटीपी नंबर यहाँ पर आपको फिलअप करना है, जो भी आपका यहाँ पर आपके मोबाइल पर आ रखा है ओटीपी, सिंपली आपको इस बॉक्स में उस ओटीपी को फिलअप करना है, देन प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। देन फ्रेंड्स ओटीपी को यहाँ पर टाइप करने के बाद आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। दो तरह के ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, एक तो यहाँ पर अपडेट डाटा इन्फॉर्म का ऑप्शन और साथ ही एक लॉगआउट का ऑप्शन। तो आपको अपने फॉर्म में करेक्शन करना है तो आपको अपडेट डाटा इन्फॉर्म पर क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करेक्शन टाइप यानी जिस भी श्रेणी में आपको सिलेक्शन करेक्शन करना है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पर यदि बिलोंग करते हैं ट्रिबल एरिया से तो आपको इस पर बिलोंग सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपको कैटेगरी से संबंधित या फिर कॉरस्पेंडिस एड्रेस से संबंधित या फिर डेट ऑफ बर्थ से संबंधित या फिर डिफेंस पर्सनल वर्ड से संबंधित डिवोर्स्ड फैकल्टी ऑफ गार्जियन से संबंधित फादर नेम जेंडर ग्रेजुएशन मार्किंग ग्रेजुएशन क्लास ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन ईयर हस्बैंड वाइफ नेम मैरिटल स्टेटस माइनॉरिटी मदर्स नेम परमानेंट एड्रेस फोटो करेक्शन फिजिकली हैंडीकैप्ड पोस्ट ग्रेजुएशन मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएशन ईयर सेकेंडरी आपकी यानी ट्वेल्थ की मार्कशीट में कोई करेक्शन साइन करेक्शन या फिर आपके टेंथ की मार्कशीट में कोई करेक्शन या फिर आपका स्टेट ऑफ बोनाफाइड रेजिडेंस इसमें करेक्शन सब्जेक्ट स्टडीज ग्रेजुएशन लेवल इसमें यदि आपको करेक्शन करना है या फिर विडो में करेक्शन करना है तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर उसको सेलेक्ट करते हैं जिसमें भी आपको करेक्शन करना है आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाए। यानी आप देख सकते हैं यदि आप फादर नेम में करेक्शन करते हैं तो आपके फादर का नाम यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यदि ये गलत है तो आपको यहाँ पर न्यू वैल्यू को एंटर कर देना है। जैसे आप न्यू वैल्यू को एंटर कर देते हैं उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि सेव बटन को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फॉर्म को लॉक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप फॉर्म को लॉक करेंगे तो आपके सामने आपके एप्लीकेशन का प्रीव्यू शो होगा। यहाँ पर इस फॉर्म में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर ये नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पर इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि जैसे आप लॉक बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके एप्लीकेशन का प्रीव्यू शो होगा। और जैसे ही प्रीव्यू शो होता है तो उस पर आपको प्रिंटर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिस पर क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे तो पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, पीडीएफ के ऑप्शन पर क्लिक करना। पीडीएफ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर तीन लाइन आपको देखने को मिलेगी, उन तीन लाइन पर क्लिक करना, अपनी जीमेल को सेलेक्ट करना, जीमेल को सेलेक्ट करने के बाद माई ड्राइव को सेलेक्ट करना, माई ड्राइव को सेलेक्ट करने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर देना। सेव बटन पर क्लिक करते ही आपकी जो भी एप्लीकेशन प्रीव्यू है जो कि लॉक करने के बाद आपने देखी है वो आपके ड्राइव में सेव हो जाएगी। ड्राइव में जाकर उसके डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल के स्टोरेज में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि आपको करेक्शन करने के बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म को लॉक ज़रूर करना है। और यदि अब भी आपके मन में कोई डाउट है इसको लेकर तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। देन फ्रेंड्स बात करते हैं इसके काउंसलिंग प्रोसेस डेट के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं यहां पर आपको बता दूं कि आप ये मानकर चलिए कि कम से कम 10 या 15 दिन तक आपके यहां पर 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम की काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। उससे पहले आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट जरूर कर लें अगर आपने गलती कर रखी है। रीज़न फ्रेंड्स ये है कि आप यहाँ पर आपको पता होगा कि पीटीटी काउंसलिंग के दौरान आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन की अंक तालिका अनिवार्य रूप से चाहिए होती है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्नातक के जो भी अभ्यर्थी हैं या फिर परास्नातक के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके यहाँ पर अभी तक उनके स्ट्रीम के रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं किए उनकी यूनिवर्सिटी ने, और यही वजह है कि यहाँ पर पीटीटी इसकी काउंसलिंग प्रक्रिया का ऑप्शन नहीं एक्टिव कर रही है। अगर यहाँ पर सभी स्ट्रीम के जो रिजल्ट हैं वो डिक्लेयर कर दिए जाते हैं समय पर तो फ्रेंड्स मानकर चलिए कि नवंबर के फर्स्ट वीक में आपके यहाँ पर पीटीटी 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम की काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आपको काउंसलिंग डेट से कोई मतलब नहीं रखनी है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको प्रत्येक स्टेप का यहाँ पर सतर्कता और सावधानी से पालन करना है ताकि आपसे कोई भी यहाँ पर गलती नहीं हो। बाकी फ्रेंड्स इस बारे में कोई डाउट है तो आप जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, या तो रिप्लाई के माध्यम से फिर वीडियो के माध्यम से आपके उस डाउट को सॉल्व किया जाएगा। इस वीडियो का लाइक एम केवल 100 लाइक है तो आप उसको प्लीज थोड़ा पूरा कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। पीटीटी के संबंध में कम से कम 50 वीडियोस चैनल पर अभी उपलब्ध है तो आपकी जो भी समस्याएं हैं उनसे रिलेटेड आपको सॉल्यूशन इन वीडियोस में मिल जाएंगे। फिर भी नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर इन पीटीटी की वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।